हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते माय ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैंने यहाँ और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो देखिए, आज मैंने अपना ब्लॉग किचन से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि पता है फैमिली, आज जितना भी क्लीनिंग वगैरह था ना, वो हो चुका था, पहले ही मैं कर ली थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई थी और यहाँ पे आ गई थी किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ सत्तू वाली पूड़ी बनाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं बना रही हूँ और मैं सब चीज़ पहले ही रेडी कर ली थी, तब जाके मैंने अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, क्योंकि ये सब करने में काफ़ी ज़्यादा लेट लगता है। और देखिए, यहाँ कितने फुली फुली से हमारी सत्तू की पूड़ी हो रही है। और देखिए, मैंने यहाँ निकाल लिया है और इसी तरह करके जितने भी है ना, वो सारे मैं तल लेती हूँ। और पता है, आज ना मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और इस खुशी का वजह आप लोगों, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सच बता रही हूँ फैमिली, मैं किस लिए खुश हूँ आप भी जानोगे, तो शायद आपको भी मुझे खुश देख के खुशी होगी, क्योंकि आप लोगों ने इस बारे में बहुत सारे सवाल किए थे। और पहले यहाँ पे आप लोग खा लो। तो आज पता है मैं खीर भी बनाई थी, और सत्तू के पूड़ी और दाल पूड़ी ये सब के साथ खीर बना लो ना, तो फिर मुँह का स्वाद ही चेंज हो जाता है, खाने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। मुझे तो खीर बहुत ही पसंद है। और देखिए, यहाँ पे ना सारे कपड़े वगैरह जितना भी सुबह में धोए थे ना, तो वो अभी छत पर नहीं दी थी, मैं लगे हाथ किचन ही चली गई थी। और देखिए, देने के बाद आ गई थी मैं अपनी किचन में। तो यहाँ पे मैं अभी दोपहर का खाना चढ़ा रही हूँ। तो आज खाने में मैं बनाऊँगी कटहल आलू की सब्ज़ी और एक तरह देखिए चावल। आज सब्जी चावल ही बनाऊँगी, सोची तीन चार दिन से दाल ही दाल बना रही हूँ, तो आज ना सब्जी खाने का। और इधर हो रहा था मेरा, तब तक उबालने के लिए मैं कटहल चढ़ा दी थी और आ गई थी रूम। थोड़ा सा देखिए बेडशीट को सेट कर लूँ। और पता है, घर कितना भी साफ़ हो, अगर आपका बेडशीट सही से ना बिछा हो ना, तो लगता है पूरा घर का काम अधूरा अधूरा सा ही लगता है, पूरा रूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अगर बेडशीट को एक सही से बिछा लो ना, तो फिर उसके बाद पता है लगता है क्या, पूरा रूम ही मतलब साफ साफ लगता है, एकदम काफ़ी हद तक साफ लगता है। और आज ना मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, तो पता है आप लोग उनका कहते हैं, दीदी आपके पास एक ही बेडशीट है क्या? बेडशीट देखो, मेरे पास बहुत ही सारे हैं, बट पता है मैं एक ही ज़्यादा ब्लू वाली ना, ब्लू कलर मुझे बहुत पसंद है और ना मेरे रूम में लगता भी ना उभर के आता है। और ये कलर की ना दो दो मेरे पास बेडशीट है, तो सोची चलो आज चेंज कर देती हूँ। तो देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर सोची थोड़ा सा बाल भी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद इधर मेरी कटहल तब तक उबल जाएगी, इधर जो भी थोड़े छोटे मोटे काम है अपना इसी तरह का। और इसी तरह मतलब काम के बीच में अपने लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ, तो कभी बाल बना लेती हूँ, कभी कपड़े वगैरह जो तय होते हैं वो कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए, इसी वजह है खुशी का। तो पता है आप लोग कहते हैं, दीदी आप सूट क्यों नहीं पहनते? तो मेरा ये ससुराल है, काफ़ी हद तक आप लोग जानते हैं, तो ससुराल में मुझे अलाउ नहीं था सूट पहनने का, लेकिन अलाउ था, लेकिन मतलब दो तीन साल के बाद, लेकिन मुझे इतना जल्दी मिल जाएगा पहनने के लिए, बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ। और इससे भी ज़्यादा मैं अपने सासू माँ को बहुत ही थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सासू माँ ही बोली, पता है मतलब मोहल्ले में बेचने के लिए आया था ना। तो फिर यहाँ पे देखिए, मैंने दो कलर का लिया, एक येलो है और एक ब्लू है। तो ज़रूर बताइएगा, बल्कि सिंपल है, मैं ना डेली यूज के लिए ली हूँ ना, तो इसमें कोई तामझाम नहीं है, बस सिंपल सा है और बहुत ही मुझे पसंद है और बहुत ही ज़्यादा खुश भी हूँ मैं। और देखिए, अभी थोड़ा देर पहले जब मैं कटहल उबालने के लिए चढ़ाई थी, तो यहाँ कटहल हो गया था और एक तरफ मेरा आधन भी हो गया था, तो मैं चावल भी डाल दी हूँ। तो अभी देखो, नई नई सीजन की सब्जियाँ हैं ना, तो कटहल वगैरह ये सब ना अच्छी लगती है खाने में। तो अभी तो बहुत सारी गर्मी का मौसम आ गया है, तो अब तो सब्जी का बौछार लगने वाला है, क्योंकि अभी इस गर्मी के मौसम में काफ़ी नई नई सब्जी उतर जाती है, तो यहाँ पर ना नई, तो इसीलिए ना आज मैं सब्जी चावल ही बनाऊँगी। और मन भी कर रहा था, तो दाल दाल खाने से ना मतलब डेली डेली दाल ना मुझे उतना पसंद नहीं है। तो चलो, यहाँ पे अब कटहल आलू की सब्जी मेरी बन रही है और सच में पता है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन पता है, ऐसे ना जिस भैया से मैं सूट ली ना, तो पता है उसके पास ना उस कलर की लेगिंग्स नहीं थी, तो मैं ना उसको बोली तो बोले क्या कल ला के दे देंगे। तो इसीलिए अभी मैं कैरी नहीं करूँगी सूट, लेकिन ना मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और आप लोग कहते हो कि दीदी आप इतना साड़ी में कंफर्टेबल कैसे रह लेती हो पूरा दिन साड़ी? तो देखो, कोई भी चीज़ आप रेगुलर करते हो तो उस चीज़ की आपको आदत हो जाती है। मुझे भी कंटिन्यू करने का उतना वो नहीं था, लेकिन पहनते पहनते मुझे भी आदत हो गई थी, तो जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी संभाल लेती हूँ। लेकिन अभी देखो, गर्मी का मौसम आ रहा है
और ब्लॉगिंग है तो ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं सोची कि चलो क्यों नहीं सूट के लिए। तो मैं अपनी सासू माँ से बोली कि मम्मी सूट मतलब सूट चाहिए, तो सासू माँ ही बोली कि चलो अगर तुम्हारा इतना मन है तो ले लो। और मेरे हस्बैंड जी भी घर पे ही थे तो मौका भी मिल गया और ये दिलवा दिए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। देखो मायके में जाती हूँ ना तो अभी भी मायके पर मैं सूट ही पहनती हूँ। और यहाँ देखिए कितना अच्छा से मेरा सब्जी एकदम कटहल आलू का टेस्टी टेस्टी बन गया है, और चावल तो बन ही गया था, तो आप लोग भी खा लो। और उसके बाद देखिए खाने के बाद जो सुबह का नाश्ता का बर्तन था ना वो नहीं धो पाई थी मैं, तो सोची खाना बनाने के बाद धोऊंगी, तो सारे बर्तन धो ली थी। और जहाँ का बर्तन जहाँ है उसे एडजस्ट करके रख देती हूँ। और मैं क्या बोल रही थी कि पता है जब मैं मायके जाती हूँ तो वहाँ पे मैं सूट ही पहनती हूँ, लेकिन ना वहाँ से मैं सूट लाती नहीं थी एक भी, क्योंकि यहाँ पे पहनने का अलाउ ही नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं लाती थी। लेकिन अब तो मुझे अलाउ हो गया है और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है कि वाह मतलब मेरा सपना पूरा हो गया। मैं पता है जब शादी करके आई थी ना तो मैं भी सोचती थी कि मैं कब सूट पहनूँ, कब वो दिन आएगा। देखो मैं छोटी छोटी चीज़ से ना इतना खुश हो जाती हूँ, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है। ये नहीं कि मेरी बड़ी बड़ी ख्वाहिश नहीं, लेकिन जितनी भी है ना उतना में ही मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, और सच में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो देखिए फिर उसके बाद खाना पीना हो गया था ना, तो साथ ही मैं किचन की भी सफाई कर ली, जो दोपहर में होती है ना खाना खाने के बाद। दोपहर तो नहीं, खाना पीना होते होते तो 3, 3:30, 4 बज ही जाते हैं। उसके बाद की जो सफाई है, फिर यहाँ पे देखियो बाबू को मैं रेडी कर रही थी, और यहाँ पे बाबू को ना मैं नहला दी थी दोपहर में ही ना, तो ये नहला दिए ना तो बिल्कुल भी अच्छे से सो गई थी, और नहलाने से पहले ही बाबू खिला दी थी, तो ये ना बिल्कुल नहाने के बाद सो गई थी, तो मेरा बिल्कुल सारा अच्छे से काम भी हो गया। और यहाँ पे बस बाबू अभी उठ गई थी, तो सोची कि चलो लगे हाथ बाबू को भी थोड़ा रेडी कर देती हूँ, फिर ये बाहर चली जाएगी अपना घूमने के लिए। अब तो ये अकेले निकल जा, आई दोज कर दो, तो आई दोज आई दोज ऐसे आई दोज बोल दो गन्ना बात गन्ना बात गन्ना बात हेलो पापा बोल तो फोन से बात करो, हेलो पापा करा दिया बात करो पापा बोलो। और अभी जाके थोड़ा सा काम हुआ है खत्म, और यहाँ देखिए इन नौटंकी को देख लीजिए, नौटंकी को हाय करो बेटा बोल दो हाय दोस्त, मम्मा को मुच्छू दे दो तो मुच्छू, और एक और मुच्छू दे दो तो मिठा वाला दे दो, मिठा झूला झूला अच्छा झूला झूल बाद में। और अभी जाके दोपहर का जितना भी काम था थोड़ा सा खत्म हुआ है, और अभी थोड़ा सा बाकी है तो उसे भी साफ करेंगे। और देख लो पहले मेरी बेटी को, हाय सबको फ्लैंड किसी दे दो तो, फ्लैंड किसी दे दो तो ऐसे वाला दे दो, ऐसे वाला ऐसे वाला हाँ दे दो, दे दो फ्लैंक किसे तो चलिए ब्लॉग में। और फिर उसके बाद ना मैं आ गई थी छत पे, तो देखिए पूरा छत पे कितना पत्ता से एकदम पूरा गंदा हो चुका था, तो सोची चलो इसमें भी झाड़ू दे देती हूँ। पता है मैं रोज ही झाड़ू देती हूँ, रोज ही इतना पत्ता गिर जाता है देख लो। और अभी तो आप लोगों से बताई थी कि पतझड़ का सीजन चल रहा है, आप लोग तो जान ही रहे हो, तो कितना ज़्यादा देखो पत्ता, और फिर इसके बाद तो पेड़ में न्यू पत्ते आ जाएंगे। तो देखो पूरे झाड़ू लगाने के बाद उस पत्ते को फेंक दी थी, और देखो फिर अभी झाड़ू दिए थे ना फिर पूरे छत पे देखो थोड़े बहुत पत्ते गिरने लगे हैं। और देखिए यहाँ पे छत पे सारे कपड़े मैं ले ली, और उसके बाद आ गई थी रूम में, तो सारे कपड़े को मैं तय भी करके रख देती हूँ। तो बाबू का कपड़ा एक जगह रख दूंगी, इसके पापा का अलग, और फिर मैं अपना कपड़ा अलग। तो इस तरह क्या होता है ना कि अलग अलग रखने से जल्दी से मिल भी जाता है, और एक साथ रखने से ना तो पता नहीं चलता है कि कौन किसका कपड़ा है। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े को भी तय लगा के रख लेती हूँ। और आज का ब्लॉग मैं यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय माई ऑल यूट्यूब फैमिली। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।